मतलब इतनी ज्यादा बारिश लगी कल शाम को कि इंसान प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। क्या आवाज, सारा नुकसान हो गया। ऐसे में टूट फूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब बहुलिया नहीं पड़ेगी। क्या वहाँ चला आज, बुखार आ गया, हाथ पे लगी बड़ी जोर से। भयंकर तेज वाली बारिश लग रही है। अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं और हमारे घर पे सनराइज भी हो चुका है। सामने से धूप किरणें बहुत ही गजब का माहौल बना रही है ऐसे में। और कल बहुत भयंकर बारिश हुई है जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो पूरी रेत थी पूरी बह गई और घर के पास में एक गदेरा बहता है जिसमें कि पूरे गांव का पानी आता है और यहीं पास से वो भटक गया था जिस वजह से वो लोगों के खेत में चले गया और पानी लोगों के खोदे तक चले गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8 हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलिए जी, अब एक बार पुराने वाले घर पे चलते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ काम बचे हुए हैं वो निपटाने हैं। कल की बारिश की वजह से जगह जगह पानी की बड़ी बड़ी खाल बनी हुई है। नदी नालों में भयंकर पानी बढ़ गया था। यहाँ देखिए पूरी रोड पे ना मिट्टी मिट्टी से हर किया कल की बारिश से। गगड़धार का गदेरा भी आ गया, मतलब इतनी ज्यादा बारिश लगी कल शाम को पूरी मिट्टी मिट्टी आ गई भाई यहाँ पर। रोड की कंडीशन बहुत खराब हो रखी भाई, क्या बोले अब। देखिए रोड में जितने भी गदेरे नदी नाले थे ना वो पूरे बहुत भर गए थे कल शाम की बारिश से। अगर 1 और रहती ना फिर पता नहीं क्या क्या सुनाई देता। और घर के रास्ते में यहाँ देखिए बांझ की कच्ची पत्तियां भी झड़ी हुई हैं और छत देखिए फुल पत्तियों से भरा पड़ा है। देखिए बारिश तो कम लेकिन ओले जो गिरे ना बड़े खतरनाक वाले। ओले को हमारे यहाँ गरवणी या ढानू बोलते हैं। सारी जो भी ठूंडी बटुली थी उनका नुकसान हो गया भाई। माँ की ठूंडी बटुली यहाँ देखो सब कुछ खत्म हो गया, आज बर्बाद हो गया ज्यादातर। और माँ ने यहाँ पे लौकी का पौधा लगाया था, सारा टूट गया कल। इतना नुकसान घर के पास में हुआ है। गौशाला में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे थे। मिर्च लगाई थी परसों की, सारी बर्बाद होगी। सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आ गई हैं हमारी पूरी छत पे क्योंकि यहाँ ऊपर बड़े बड़े बांझ बरांस के पेड़ हैं। चले जी, पूरे घर के आसपास रास्ते खोदे और छत की सफाई हो गई है। सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां और फूल ही फूल हो रखे थे आज। बाकी हम निकल पड़ते हैं जरा गौशाला की ओर, वहाँ पे जो कल का काम रह गया था वो निपटाना बाकी है। और आज ना गुप्तकाशी के पास में बहुत सुनसान सा माहौल लग रहा है। थोड़ा सा यात्रियों की गाड़ियां कम चल रही है। यात्रा पे तो मौसम से असर पड़ता ही है भाई। और यहाँ धारे के पास में देखिए बहुत भयंकर पत्तियां सी आई है, हर जगह पे असर पड़ा है भाई बारिश का। बारिश के बाद एक बात तो है, मौसम बिल्कुल साफ साफ सा हो जाता है। पूरी धुंध छट गई है पहाड़ों से और प्रकृति अपने वास्तविक रंग में आने लगी है। बहुत ही गजब का माहौल ही बना हुआ है चारों ओर का भी। और माँ ने यहाँ गौशाला में देखे छोटी छोटी पौध लगाई थी, सारी गरवणी से टूट गई बल। तो माँ का बड़ा नुकसान हो गया भाई आज भी। यहाँ पे ककड़ी बोई थी, वहाँ पे मिर्च के पौधे, लौकी के पौधे, सब बर्बाद। अब यहाँ गौशाला के पास में ऊपर से भी सारा पानी आ रहा है जो कि यहाँ इन सगड़ों में जा रहा है। अगर मानसून में ज्यादा बारिश लगी तो ऐसे में टूट फूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हमें यहाँ गौशाला में इस बाड़ पे ऐसे खड़े में डंडे लगाने हैं जिससे कि अंदर सुअर न घुस पाए। हमारी बात ऐसे चल रही, कहीं आज प्रीति घर तो नहीं आ रही। प्रीति बताती भी नहीं, सरप्राइज दे देती है सबको। एक बार हमें छोटी छोटी सूखी लकड़ियों का जुगाड़ करना है। तो हम आ चुके हैं, पूरी सारी ऐसी टहनियाँ काम आ सकती हैं। जो ये लकड़ियाँ हम लगा रहे हैं इनको ठोकते हुए हाथ पे लगी बड़ी जोर से, सीधे स्कूल टाइम की याद आ गई भाई। अब इनको तार से भी बांधना है अच्छे तरीके से, तभी ये मजबूत तरीके से बंधी रहेंगी, नहीं तो सुअर एक मारेगा उससे वो गिर जाएंगी सीधे। आधा काम हुआ लेकिन यहाँ पे तार की कमी पड़ गई है। घर में चलते हैं, कहीं पे अगर कुछ तार वगैरह होंगे तो ले आएंगे बांधने के लिए। और यहाँ पे आंचल और पायल की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला की ओर जाने की। क्या वहाँ चला आज, बुखार आ गया। और पायल की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाते हुए पीना ले जाते हुए। आजकल खेतीबाड़ी का टाइम है तो छोटे बच्चे भी घर के कामों में पूरी मदद कर देते हैं भाई। वैसे छुट्टियां भी पड़ गई हैं। आंचल तुम्हारी गाय हमको मारती क्यों है? क्योंकि आपको डराती हो। देखिए जी पहाड़ी बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं, घर के सारे काम कर देते हैं भाई। गौशाला के काम तो परफेक्ट रहते हैं उसमें।
इनके फोटो खींचो, खींचते हैं जल्दी से। किरचिक यहाँ पे माँ पेड़ पे चढ़ी हुई है घास के लिए और पप्पा जी यहाँ पे लगे हुए हैं पगार लगाने पे। छोटा सा एक दीवार थी खेत की, वो टूट गई थी यहाँ पे। टूट गई नहीं, यहाँ सुंगूर जा रहा था इसे। सुंगूर मतलब सुअर, सुअर को सुंगूर बोलते हैं हम गढ़वाली में। यहाँ घर के काम करते करते माँ पापा की बातें चल रही है कि अब बहू ले आनी पड़ेगी। डेली आजकल यही बातें चलती रहती है भाई। तो चले जी, गौशाला के रोटे में बाड़ कर दिए हमने अच्छे तरीके से। बाकी माँ भी लगी हुई है यहाँ छत पे सफाई वगैरह करने पे। और ये है रिंगाल से बना हुआ झाड़ू, और झाड़ू को हम गढ़वाली में बुआनू बोलते हैं। और माँ गई खेतों में, क्या हुआ आज? सारा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, खेत में कुछ भी नहीं है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है माँ का, क्योंकि खेती बाड़ी के कामों को माँ ही ज्यादा करती है। प्रकृति ने अपना कहर दिखाया और माँ की मेहनत बर्बाद। दिन के 12 बज चुके हैं और यहाँ गौशाला के पास में जिस काम के लिए हम आए थे वो काफी हद तक पूरा हो चुका है। और तेज धूप लगने की वजह से ना अब काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। चलते हैं घर की ओर, और अभी माँ को ना खाना भी बनाना है। और अभी गर्मियाँ बढ़ने लगी है, डांस भी खा रहे जो जंगली मक्खियाँ होती है ना। और पापा जी देख रहे हैं यहाँ पे जामुन का पेड़ है, इस पे जामुन लग रहे की नहीं लग रहे? बल कल की बारिश से हर जगह पे नुकसान हुआ है। और ये एहसास दिलाता है कि इंसान प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। प्रकृति चाहे तो एक सेकंड में सब कुछ बदल सकती है। गौशाला में मेरे हाथ पे एक जंगली मक्खी, जिसको कि हम डांस बोलते हैं, उसने काट दिया है और उंगलियां सूजने लगी हैं। और इन पे ना पता कैसा दर्द हो रहा है, खुजली भी हो रही और साथ में दर्द भी हो रहा है। दिन के भी 3:15 हो रहे हैं और माँ और मेरी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। माँ को जाना है वहाँ खेतों में धान की निराई गुड़ाई करने के लिए। तो चले जी, पहुंच चुके हैं घर पे। बाकी माँ ठीक सामने वाले खेत में गई है निराई गुड़ाई करने के लिए। गांव में सनसेट भी हो चुका है, बस सामने की पहाड़ियों पर भी धूप बाकी है। और ऐसे मौसम में यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। अब यहाँ पे देखिए, बंदर बिल्कुल नहीं डर रहे कुत्ते से। वहीं पे कुत्ता है, वहीं पे बंदर है, और बंदर ने जानबूझ के कुत्ते को उकसा रहा है देखो। पर कुत्ते की हिम्मत नहीं है उस पर अटैक करने की, कुत्ते को पता है ना कि कहीं बंदर पकड़ना ही ढंग से। तो चले जी, माँ भी आ चुकी है खेतों का काम निपटा के। बाकी अभी मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया है, बाकी कल की बारिश से ना अभी थोड़ा सा ठंड बढ़ सी गई है पहाड़ों में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।